झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं और पहले भी हमसे जितना संभव हुआ था हमने प्रवासी मजदूरों को उनकी सुरक्षा देने और उनको घर पर सरकार की जिम्मेवारी है लाना। जो लोग नॉर्थ ईस्ट अंडमान लद्दाख में मजदूर फंसे हैं उनको लाने की बात हो रही है। और आपको बता दें कि मुंबई से पहली फ्लाइट जो है प्रवासी मजदूरों को लेकर अब रांची पहुँचेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची की, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक करी। आर सोनी न्यूज़ संवाददाता शुभम सोनी की खास रिपोर्ट देखिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ और जितना संभव हो, मैंने पहले भी कहा, मजदूर प्रवासी की सुरक्षा, सक्षम घर पहुँचाना, ये सरकार की जिम्मेवारी। अभी और भी कई जगह हैं, लद्दाख वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, उन सब जगह से भी लोगों की लाने की बात चल रही है। हमने सचिव को आदेश दिया है कि इन सब विषय पर काम करें और लद्दाख वगैरह में जो फंसे हैं, जो वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं, हमारी डायरेक्टर जनरल से भी बात हुई है। उन्होंने भी हमारे प्रवासी मजदूरों को यहाँ पहुँचाने का उन्होंने कहा है, हम लोग उनको सकुशल पहुँचाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी। तो ये अच्छी खबर है कि अब लोग आ रहे हैं, लेकिन जो छूट रहे हैं उनको भी किसी तरीके से हम लोग खोज के लाए हैं, ये हम लोग का प्रयास। 2014 में पीएम ने ये कहा था कि ये सपना हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर कराएंगे, हेमंत सोरेन ने वो सपना सच कर दिखाया। मतलब ये आपने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मजदूरों को लेकर बहुत बातें हो रही है देश। देखिए, हम लोगों ने तो पहले भी कहा, मेरी इस पे कोई अभी राजनीति करने का या कोई ये का विषय नहीं है। अभी संक्रमण से बाहर निकलने का और मजदूरों के मन में जो डर है उसे खत्म करने का है। अभी जैसे अंडमान निकोबार में जो हम लोगों ने देखा और गणना किया, लगभग वहाँ 2 फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। 25 करोड़ रुपए तक के वहाँ पर आपने दिया है, बहुत लोगों के दर्द, दिल में दर्द हो रहे हैं, बहुत दिनों तक यहाँ पर लड़ाई मार रहे हैं। ये तो हमने पहले ही कहा है कि यहाँ के लोगों को यहाँ उनका अधिकार मिलना चाहिए और सिर्फ नौकरी ही में क्यों, इस राज्य के हर क्षेत्र में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, हम यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा रखें। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और लोगों का जीवन यापन भी करा सकते हैं। इस दिशा में हम लोगों ने रोजगार सृजन को लेकर के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को कैसे यहाँ पर और भी गतिविधियाँ, विकास के कार्यों में वो अपना हिस्सा, अपना भूमिका निभा सकें, इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि नौकरियों के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं में भी उनकी भागीदारी हो और ये लोग एक सम्मानजनक तरीके से अपने राज्य में राज्य का विकास करें। सर, ये मैसेज आ रहा है कि कुछ कड़े निर्णय राज्य की सरकार ले सकती है राजस्व को बढ़ाने के लिए, जैसा कि खजाना खाली था, लॉकडाउन की वजह से राजस्व नहीं आ पाया, इसको देखते नहीं। बिल्कुल, अब गरीबों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार देना है, संसाधन की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। संसाधन कैसे आएंगे, इस विषय पर हम लोग पूरा होमवर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ नतीजों पर पहुंचेंगे जहां से हम अपने संसाधन को जुटाने में लगेंगे। और चूंकि हर एक रुपया के लिए हमें केंद्र की ओर टकटकी लगाए खड़े रहना पड़ता है, अब झारखंड के लोग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे और झारखंड भी अपने पैरों पर खड़ा होगा, ये हमारी परिकल्पना। मतलब कि कई आयोग खाली हो गए, खास करके नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से ये परेशानी आ रही, तो कैसे देखते हैं कई चीज़ें जो चुनौती है बच्चों के लिए? वो भी हो जाएगा, अभी नेता प्रतिपक्ष की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है,
या भूमिका आएगी वो भी देखा जाएगा। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप मजदूरों को एक तरफ ला रहे हैं, हवाई जहाज ट्रेन सब कुछ, और मजदूरों पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। आईएएस लोग कहते हैं कूद जाओ, जब मदद मांगी जाती है झारखंड के एक आईएएस कहते हैं कि ट्रेन से कूद जाओ। ऐसी बात है तो इन बातों का भी संज्ञान लिया जाएगा, और ऐसे विषयों पर ये लापरवाही पर, इस तरह के लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। सरायकेला डीसी ने भी सर पत्रकारों को इस तरह सवाल पूछा और उसको जेल भेज दिया। अब देखिए मैं कोई अनुसंधान करके आपके पास नहीं बात रख रहा हूँ, अभी जानकारी के तक में ही आपसे मैंने बात रखी है। ये जो बातें आई है इस विषय पर हमें इसकी जानकारी अभी मिलेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक सर, एक प्रश्न सवाल था, ये मलक्कम एक जगह है तमिलनाडु में।